शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बहुत फास्ट दौड़ता है यार बापू। पुलिस के साथ बहुत लफड़ा खेला लगता है बापू। तू इसका लंगोटिया है, है? ये घटिया मजाक काहे को किया तूने? क्या है माफी मांग, माफी मांग फटाफट। रहने दीजिए। सॉरी बोल यशवंत। अपन बहुत सॉरी है बॉस। यशवंत राणे। सूरज श्रीवास्तव। तेरे को देखा नहीं रे पहले कभी इधर। बाहर गांव से आया क्या? गांव से नहीं, बनारस, बनारस शहर। अरे हाँ वही यार, मुंबई के बाहर सब गांव। सूरज, बाहर से आया हुआ हर विद्यार्थी हमारे छोटे भाई की तरह होता है, और तू कहीं उन हाय हलो की औलादों के चक्कर में मत पड़ जाना। हमारी पार्टी में शामिल हो जा सूरज, बहुत आगे जाएगा तू। दफ्तर में आके साइन कर देना। जिंदगी का संघर्ष हम सब भाइयों को मिलके करना है। बड़े भाई का आशीर्वाद रहेगा ना तो सुखी रहेगा, ठीक है? जिंदगी में संघर्ष सबको करना पड़ता है रानी भैया, लेकिन मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहूंगा। मेरी लड़ाई, मेरी हार, मेरी जीत। और हां, जहां तक आशीर्वाद का सवाल है, मेरे ऊपर तो गंगा मैया का सदाबहार आशीर्वाद है, फिर भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापा, पापा, पापा। हेलो। हेलो। कौन है आप? क्या काम है आपको? जी, जी। बैठिए, बैठिए ना। जी। अच्छा खड़े हो जाइए। अच्छा मैं ही बैठ जाती हूँ। ओके। बैठिए। ये क्या है आपके हाथ में? जी मेरी सारी डिग्रीज हैं। ओ, पापा की ऑफिस में नौकरी के लिए? जी वो क्या है कि कुछ ही दिन अखबार में एडवर्टाइजमेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट के लिए, उसी सिलसिले में। ओ माय गॉड, हाउ सैड, व्हाट अ ट्रेजेडी, दिस इज सो अपसेटिंग। क्या हुआ? वो क्या है ना, आज सुबह ब्रेकफास्ट पे पापा के मोबाइल पे एक बहुत बड़े आदमी का फोन आया और आपकी नौकरी गई। गई? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आपके ब्रेकफास्ट टेबल पे एक फोन आ गया और मेरी नौकरी चली गई? आपके पापा कहाँ हैं? शू शू शू, ठंडा दिमाग रखिए, बैठिए। आपको आगे जाना है ना, बहुत ही आगे। ऑफ कोर्स मैडम। ठीक है, तो फिर इस पापा की बेबी पर भरोसा रखिए और अब यहाँ से जाइए। ओके ओके। कमाल है, इतने बड़े बाप की बेटी और इतनी रहमदिल। मैडम नहीं नहीं, नो नो, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। इट्स ओके। तो मैं ये आपके साथ छोड़ दूं? ये क्या है? वो क्या है कि वो सिर्फ मेरे नाम से थोड़ी मानेंगे। आप उन्हें मेरी काबिलियत दिखाइए, फिर जाके मानेंगे। तो फिर मैं आपसे कब मिलूं? नहीं नहीं, आप मुझसे मत मिलिए, मुझसे मत मिलिए, मैं आपसे मिल लूंगी। आपका नाम पता है ना इसमें? है ना इसमें? ठीक है, तो अब तुम जाओ वरना मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। चाहिए ना, प्लीज ट्रस्ट मी। ओके, अब क्या है? आपने अपना नाम नहीं बताया। पूजा। पूजा, बहुत ही खूबसूरत नाम है। थैंक यू। मेरा नाम है शिव कपूर। शिव कपूर जी। बाय, सी यू। ओके बाय। भूलिएगा मत। नो नो, आई रिमेम्बर। ओके बाय, गो। जो मौत तुम हजारों के नाम लेकर आई हो वो अपने साथ ले जा रहा हूं। शशांक, तुम जानना चाहो या नहीं, लेकिन मैं भी प्यार करने लगी हूं तुमसे। जी नहीं सकी पर जान दे सकती हूं तुम्हारे साथ। साहब, कैसी लग रही है ये जमीन? महाजनोचैन गतः सुपंथा,
जिंदगी में उसी पथ पे चलो जिस पे महान लोग चले हों। मेरे लिए आप महान थे, लेकिन आप तो एक तुच्छ व्यापारी निकले। मेरा हीरो चोर निकला। उसने मेरी तमीज और मेरे संस्कारों को मेरी कमजोरी समझी और यहीं वो चूक गया। संस्कारों का बांध बहुत मजबूत होता है नावेद साहब, बहुत मजबूत। ये मिलता है प्यार से, परिवार से और देश से, जिन्हें आप कोई अहमियत नहीं देते। इसीलिए आप हार गए। मैं भी गिरा था, गिर के संभाल गया। अब कभी नहीं गिरूंगा। गिराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कैसी लग रही है ये जमीन? इस पे चलना सीखिए नावेद साहब, बहुत उड़ लिए आसमान में। मुबारका मुबारका जनरल मैनेजर साहब। अब देखो ये दिल पैक हैदराबादी कैसे दिल्ली में बैठ को आपको बैंगन का भरता और हैदराबादी बिरयानी खिलाता, तड़का मार को जाफरान छिड़क को। शुक्रिया मियां, शुक्रिया। वैसे मियां, उस दिन आपके मिलने के बाद ही शिफ्ट करने का सफर शुरू हुआ। वैसे एक बात है हजरत, अगर उस रोज आप यही चिपक को रहते तो ये जगह कहाँ से आपको मिलती? वही निचली सीढ़ी पर लटक को रह जाते। ये सब पूजा जी की कृपा है। पता है जब तक जीऊंगा ना, सिर्फ पूजा जी की पूजा करूंगा। पूजा? कौन पूजा? हो वही मैनेजर साहिबा। अरे क्या बात कर रहे हो मियां, मालकिन को नौकर का दर्जा दे रहे हो? अनबिलीवेबल। पूजा जी की वजह से ना जाने कितने गरीबों को नौकरी मिली है। अब मेरी बात ही ले लो, अगर वो अपने बॉस पापा जी से मेरे लिए सिफारिश नहीं करती तो क्या हम दोनों शानदार एयर कंडीशन ऑफिस में बात कर रहे होते? ला हौल वला कुव्वत हजरत, आपकी बात सुनकर मेरे भेजे का खट्टा सालन बनता ना। अरे वो पोटी आपको लट्टू की तरह घुमा डाली ना, उस रोज आपको सटका कर आपकी नौकरी हजम कर ली, डक्कर भी नहीं ली। उतच मतलब? मतलब ये कि उन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैनेजर है साहिबा और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि हमारे बॉस पापा कोई प्यारे पापा नहीं है? अरे वो चोपड़ा खूसट काहे का पापा बाबा, उन्होंने आज तक तो खुद कुंवारे बैठे बैठे कोई सिफारिश विफारिश नहीं की? अरे मेरे बम बम भोले, मेरे मिट्टी के माधव, सिफारिश तो बहुत दूर उन्होंने कहीं जी से आपकी, सब तरक्की के रास्ते काटे जा रहे हैं। अच्छा तो मुझे जम के बेवकूफ बनाया हाउ और पूरी दिल्ली घुमाए हाउ? ये तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकली। दिल पेट मिया सर, जाके उसको बुलाना, अभी देखता हूँ उसको। बुला उसको। बुलाता हूँ उसको, जम के झिड़को बाबा। आपका हक है, आप जनरल मैनेजर है, ऐसी वैसी बात नहीं है। आने दो उसको, अब दिखाता हूँ मैं कि ऐसी फिरकी लेता हूँ कि वो फिर कभी नहीं सोचेगी उसकी तो। हेलो 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 हेलो, आइए 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 आइए। क्या बात है क्या बात है, नॉट बैड नॉट बैड, हैप्पी हाँ? खुश? बैठ जाओ, करे क्यों, बैठ जाओ, रिलैक्स। अरे नहीं 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 पूजा जी, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? इम्पॉसिबल, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। ओह नो नो, अपने हाथ से मेरी डिग्री लेके आपने मेरी बिगड़ी बनाई है। नाश्ते की टेबल पर अपनी तशरीफ रख के अपने प्यारे पापा से मेरी सिफारिश की है। करती रहती हूँ। उड़ती हुई मर्सिडीज कार में बैठकर आपने अपने बारे में नहीं सोचा? नेफा। नहीं, सिर्फ मेरे बारे सोचा। हाँ, वो तो है। वाह वाह पूजा जी, एग्जीक्यूटिव मैनेजर के बदले आपने मुझे जनरल मैनेजर बनाया। जनरल मैनेजर शिव कपूर, जनरल मैनेजर। फैंटास्टिक पूजा जी, क्या बड़प्पन है आपका, कमाल का है, कमाल का, वेरी गुड। नहीं नहीं, बताइए चाय पियेंगे आप? चाय? आई डोंट माइंड अ कॉफी। आई डोंट माइंड अ कॉफी। अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। जी जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बेवकूफ बनाया? शिव शिव, सर बोलो सर। सर पूजा जी, मैं आपकी पूजा कर करके थक गया और आप मुझे चारों ओर घुमाती रही। प्यारे पापा की लाडली बेटी, गरीबों की हमदर्द, सिफारिश की महारानी,
क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ। पहली मुलाकात में मुझे ही शेंडी लगा कि मेरी नौकरी हजम कर ली तुमने। नहीं, नहीं। और फिर जब तुम्हारा पेट नहीं भरा तो फिर फाइव स्टार होटल में कढ़ाई पनीर दम आलू कश्मीरी हरे भरे कबाब अपने भैया भाभी के साथ चटकारे लेके खा रही थी। मैं पागलों की तरह सारा दिल्ली शहर घूमता रहा तुम्हें ढूंढने के लिए और तुम मैडम थिएटर में बैठ के लेटेस्ट पिक्चर देख रही थी। फिर भी इस गरीब ने इस पत्थर दिल के लिए असली घी के लड्डू बनवाए असली घी के। तो अब बताओ पूजा जी तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ। कौन है ये लोग? जो भी हैं बहुत गुस्से में। ये तो गया, अंदर ले आते हैं। पागलों के क्या शशांक, अंदर ले आएंगे तो खुद अंदर जाएंगे। पुलिस वाला यार। तो फिर वही करते जो पुलिस वाले को करना चाहिए। जानवर है कोई? नंगे बदन बेशर्मों की तरह इस महफिल में आने की जरूरत किसी की नहीं। किसकी शरारत है ये? कोई कहीं बैठा हम पर हंस रहा है। कौन है ये? कौन हो तुम बोलो? क्या कौन भविष्य? किसका? इस देश का? हिंदुस्तान का भविष्य तो मुझे साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम तो एक बुरा सपना हो। तुम थे, तुम हो नहीं। क्या हमें पता नहीं कि आज भी निचली जाति के लोगों को जान से मारना पाप नहीं माना जाता? महीने का वेतन परिवार के लिए कम पड़ता है और सब मिलकर आत्महत्या कर लेते हैं। अंग्रेजी ना आने से नौकरी नहीं मिलती। क्या अब भी हमें गर्व हो रहा कि हम हिंदुस्तानी हैं? क्योंकि ये खड़ा हिंदुस्तान, ये नंगा भूखा भद्दा सा। आज तो हमारी लोगे राजा हैं, तो फिर क्यों बच्चों की तरह आपस में लड़ते हुए सरकार सरकार खेल रहे हैं? ताकि देश होता रहे इस बच्चे की तरह। अब कौन चुप कराएगा इसे? किसकी जिम्मेदारी है ये? 100 करोड़ के हो गए हम, किसके हिस्से में लिखा ये काम? ये जिम्मेदारी हम उठाते हैं, क्योंकि बस बहुत हो चुका। अब कोई धीरज नहीं मरेगा और इस बच्चे की सिसकियां एक नारा बन के गूंजेंगी, एक गले से एक आवाज में। आवाज एक जिम्मेदार चल।
क्या लंच को जा रहे हैं? खा को आओ। पानी पीते? नहीं। चाय पीते? नहीं। सिगरेट पीते क्या? नहीं। तंबाकू खाते क्या? नहीं। आंखें मिलाते क्या? ए। आओ। अरे बाबा, आप में तो कोई भी बुरी आदत नहीं, नौकरी आपकी पक्की। ऐसे कैसे? हाँ मैं हाँ, दिल फेंक हैदराबादी दिला की आवाज सुनता, इतने सालों से दिल्ली में झकने मार रहा हूँ। अरे दिल फेंक मिया, एकदम सही पहचान आपने, नंबर वन हूँ मैं, नंबर वन, सारी डिग्री से मेरे पास। हाँ, हाँ। फिर तो आपको चार मीनार से खुतुब मीनार तक कोई भी नहीं अड़ता बाबा। मेरा नाम दिल फेंक हैदराबादी, आपका क्या? मेरा नाम शिव, शिव कपूर। शिव कपूर, पूजा कुछ कर वरना तेरे हाथों से ही नौकरी चली जाएगी, कुछ कर, कुछ सोच। क्या लकी रहा है, क्या लकी रहा है मियाँ, हमें भूल न जाना। अरे 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 दिल फेंक मियाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं थोड़ी ना आपको भूलूंगा। डोंट वरी दिल फेंक मियाँ, जरा यहाँ भी आइए, गुफ्तगू बंद कीजिए, आइए जनाब। जनाब बुलाते हैं हमें, बड़ी इज्जत करते हैं मियाँ हमारी, भूल नहीं जाना। डोंट वरी, आप जाइए। चलता हूँ। Let me do it tonight itself, right? क्या बोला था आपने कल? क्या बोला था? कि आपने अपने बच्चे की जान ली। शशांक, I don't want to talk about this here. करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना मैं बात नहीं करना चाहता। करनी पड़ेगी डैन। मैंने कहा ना इस बारे में बात नहीं करना चाहता। करनी पड़ेगी डैन। I want to know. शशांक, it's personal. No. It's not personal. शशांक, it's not personal at all. हम इसके साथ काम कर रहे हैं, इसके घर में ठहरे हुए हैं, ये हमें रास्ता दिखाने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूं, किसके घर में ठहरा हूं, हमें रास्ता कौन दिखाने वाला है? एक ऐसा आदमी जो खुद अपने बच्चे की जान ले सकता है? So you understand, Dan, it's not personal at all. I want an answer. तुमने अपने बच्चे की जान क्यों ली? मैंने अपने बच्चे की जान नहीं ली। चलो लेट्स गो, कम ऑन, आगे बढ़ो। चलो देखो, I'm sure धीरज को अब तक पता चल गया है कि हमें बहुत दुख हो रहा है उसे जाने से। चलो कम ऑन। I don't think तुम्हें कोई दुख हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है दुख, गुस्सा आ रहा है। मैदान छोड़ के भाग गया ना, मैं गरीब हूं, मुझ में तरस खाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मर गया ना रोहन, आदमी खाने से गरीब होता है, कपड़ों से गरीब होता है, लेकिन अगर विचारों से गरीब हो ना तो उसकी अपनी गलती होती है, मरना चाहिए उसको। मर गया ना। पूजा, 84 लाख योनियां जब हम जी लेते हैं ना, तब जाके इंसान जन्म लेता है और फिर एक दिन खत्म। आत्महत्या क्या होती है और उसका असर कितना गहरा पड़ता है ये मैं जानता हूं पूजा, क्योंकि बिल्कुल धीरज की तरह मेरे बाप ने भी दुनिया की डर से अपनी जान ले ली थी। धीरज को लड़ना चाहिए था, और अगर इस कोशिश में उसकी जान चली जाती तब जाके मुझे उसकी मौत के ऊपर अफसोस होता, ऐसे नहीं। उसे लड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था उसको। जय भोले शंकर, 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 जय भोले शंकर। आपका नाम शिव है, मेरा भी नाम शिव है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप भगवान हो और मैं एक मामूली सा इंसान हूं। शिव जी, आज इस बंदी की जिंदगी शुरू होने वाली है। आज का न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ा ही होगा, ना जाने किस किस की नजर उस सेकंड पेज के कोने पे गई होगी जहां एग्जीक्यूटिव मैनेजर का पोस्ट खुला रखा है। जगह एक है, बंदे अनेक है, पर अपनी तीसरी आंख से सिर्फ इधर देखना। प्रभु, कब तेरा ये नेक बंदा नौकरी पाएगा, पैसे कमाएगा, घर वाली आएगी, घर बसाएगी, छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से बच्चे होंगे, कब उन्हें कहानियां सुनाऊंगा, फिर अपनी प्यारी सी पलटन, क्यूट फैमिली, सब मिलके आएंगे और तुम्हारी गुण गाएंगे। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। दिला दो नौकरी, दिला दो प्रभु, ये नौकरी दिला दो। और हाँ सुनिए, किसी और के चक्कर में मत पड़िए, चाहे वो कितनी भी घंटियां बजाए।
मजा नहीं आया। क्या बात है हीरा भैया, आपकी जलेबी में वो दम नहीं रहा, ऐसे लग रहा है जैसे गर्म पानी में डुबो के निकाली। चीनी का भाव हमारी गिनती से बाहर निकल गया भैया। आप भी दाम और भाव के चक्कर में आ गए हीरा भैया। अरे आपकी जलेबी का कोई स्टैंडर्ड है, आप बनारस की शान हो, मेंटेन करो उसे। मेंटेन कर कहाँ मेंटेन करे। अरे भैया अगर हम मेंटेन करने लगे ना तो मालूम है कहाँ हुई है, यहाँ पर हीरा हलवाई की दुकान थी का बोर्ड लग जाइए। अरे जमाना बहुत बदल गया है भैया, बहुत बदल गया है। आजकल जलेबी वलेबी कोई नहीं खाते है, आइसक्रीम खाते है, कोल्ड ड्रिंक पियत है, और वो डबल रोटी के बीच में पता नहीं ससुर का का लगा के खाई जाते हैं। जमाने ने ऐसी पलटी खाई है भैया। मेरे लिए दूध और समोसा लाना भैया। पैदा हुआ था पंडित और बन गवा बनिया। जमाने को कोसने से आपकी दुकान नहीं चलने वाली हीरा भैया, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, सब मार्केटिंग का खेल है, आप नहीं समझेंगे ये सब। बिशा जी वो मुंशी घाट का काम हो गया। हाँ तुम्हारी दया से हो गया बेटा। हम का नहीं समझ सकते, अत्यधिक विस्तार से समझाओ भैया। बैठिए। लो बैठ गए। देखो हीरा भैया, हाँ लोग चांद तक पहुंच गए पर फिर भी गौदान कराते। अरे हैमबर्गर आएगा जाएगा मगर ये समोसा समोसा हमेशा रहेगा। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, पिज्जा और आइसक्रीम से टक्कर लेनी है तो थोड़े खर्चो, बैंक से लोन लो, किसी कोल्ड ड्रिंक का बोर्ड लगाओ। अरे कोल्ड ड्रिंक और समोसे का कॉम्बिनेशन हिट है। और हाँ इस दुकान को पेंट कराओ, यहाँ एक कलर टीवी लगाओ, थोड़ी साफ सफाई रखो। हाँ और दुकान का नाम रखो प्राइड ऑफ बनारस। फिर आप देखिए। ए भैया ये तुम्हारी इंग्लिश मीडियम की बातें हमरी समझ में नहीं आते भैया। धीरूभाई अंबानी को भी नहीं आती थी। और हीरा भैया जमाना बदला नहीं है, उसने सिर्फ अपनी रफ्तार तेज कर दी।